प्रिंसिपल ने नौकरी की लालच देकर छात्रा से किया रेप। वीडियो बनाकर कई महीनों लूटी छात्रा की अस्मत। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर प्रिंसिपल के दोस्त ने बनाया गंदा काम करने का दबाव। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में एक ऐसा मामला सामने आया है जो स्कूल को मंदिर और गुरु को पुजारी मानने वाली लाइन को खारिज कर देगा। दरअसल एक निजी विद्यालय के प्रिंसिपल पर स्कूल की छात्रा के साथ नौकरी देने के नाम पर रेप का इल्जाम लगा है। पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत में बताया कि उनकी बेटी को नौकरी का झांसा देकर प्रिंसिपल काम के बहाने कहीं ले गया था। वहां चाय में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया, इसका वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। इलाके के ही दूसरे युवक ने वीडियो दिखाकर जब उनकी बेटी को ब्लैकमेल किया, संबंध बनाए जाने का दबाव डाला, तब पीड़िता ने सारी बात रोते रोते परिवार को बता दी। थाना मजिला इलाके की एक दलित महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी बेटी शाहबाद स्थित एक विद्यालय में पढ़ रही थी। स्कूल का प्रधानाचार्य विनय वाजपेयी 5 महीने पहले उनकी बेटी को स्कूल में नौकरी देने का लालच देकर वह स्कूल का काम बताकर पिहानी ले गया। उनकी पुत्री को विनय वाजपेयी 56 भोग होटल पिहानी में ले गया। विनय वाजपेयी ने पीड़िता की बेटी को होटल में चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिला दिया। फिर गुमसुम हालत में विनय वाजपेयी ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया और उसका होटल में वीडियो भी बना लिया। फिर बाद में विनय वाजपेयी वीडियो वायरल करने का दबाव बनाकर बराबर जबरदस्ती रेप करने लगा। विनय वाजपेयी ने अपने स्कूल में 1 महीने पहले अध्यापक के पद पर उनकी बेटी को नौकरी भी दे दी। उनकी बेटी लोकलाज के डर से यह सब अत्याचार सहती रही और उसके साथ हो रहे बलात्कार की बात अपने माता पिता को नहीं बताई। लेकिन अभी 20 दिन पहले अभिषेक यादव नाम के शख्स ने उसी वीडियो को दिखाकर बेटी पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया तो पीड़िता ने मना कर दिया। पीड़िता ने बताया वह अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसके बाद उसकी बेटी ने रोते हुए अपनी माँ को आप बीती बताई और मां ने पुलिस के सामने पूरी कहानी सुनाई। शिकायत के बाद पुलिस ने कैसा एक्शन लिया, सीओ साहब से सुनी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कुछ समय पूर्व का बताया जा रहा है। आज दिनांक 1/9/24 को मजला थाना क्षेत्र में पीड़िता के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपी विनय मजला थाना क्षेत्र के तारा गाँव में ही विद्यालय संचालित करता है। पीड़िता उसी विद्यालय में पढ़ती थी। वर्तमान में जुलाई 2024 से पीड़िता उसी विद्यालय में नौकरी करने लगी। पीड़िता पढ़ाई व नौकरी के दौरान आरोपी के संपर्क में आई। आरोपी विनय को हिरासत में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सुना आपने कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा रहा है, वहीं पुलिस दूसरे आरोपी की भी तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।